मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के अकोला में दो गुटों के बीच में हुई झड़प के बाद ऐसा तांडव हुआ कि लोग सहम गए हैं। उपद्रवियों ने शहर में जमकर पथराव किया और वाहनों को भी फूंक दिया है। हिंसा और आगजनी को लेकर तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ी है। इस दौरान घटना में दो पुलिसकर्मियों के साथ 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 26 लोगों को इस मामले में हिरासत में भी लिया है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए दूसरे जिलों से भारी पुलिस बल बुलाया गया है। पुलिस का कहना है कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर कुछ लोग शिकायत करने थाने पहुंचे थे और यह मामला अकोला में पुराने शहर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर किए गए एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर शिकायत करने थाने पहुंची भीड़ ने उग्र होकर तोड़फोड़ शुरू कर दिया। कुछ अराजक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया और वाहनों में आग भी लगा दी। शहर में तैनात की गई है, बाहर से भी इसके लिए हमें रेनफोर्समेंट मिल गया है और जल्द ही शहर में सिचुएशन रिस्टोर हो जाएगी। सर, क्या धारा 144 लगा दी गई? यस, शहर में अभी धारा 144 लगाई गई है जिसमें लोगों को बाहर न घूमने के लिए बिना वजह बाहर न घूमने के लिए बताया गया है और लोग इसका पालन करेंगे, ना किया जाए तो उसके ऊपर पुलिस कठोर कार्रवाई एक्शन लेगी। इसलिए मेरे सभी नागरिकों से आह्वान है कि अपने अपने घरों में रहे, शांति रखे, किसी भी अफवाहों के ऊपर ध्यान न दे। कोई भी चीज़ आपके नज़र में आती है तो तुरंत आप पुलिस प्रशासन को बताइए और प्रशासन को सहकारी किया।